हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उषा कुमारी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हमारे घर नए मेहमान से मिलिए। ये है हमारी दादी जी, मेरे हस्बैंड की दादी जी। आज हम इनसे मिलवाते हैं। कैसी है मेरी दादी जी, जरूर बताइएगा। इनको सुनाई नहीं देता है, हम जो भी बोल रहे हैं बहुत तेज बोलेंगे तब इनको सुनाई देगा। और सब अच्छी हैं, इसलिए इनका सचा इनको भी ब्लॉग बनाते हैं दादी जी का, जो सभी दिन हमारे साथ रहेंगे, वीडियो इनका। हमारे साथ गाल मुद्दा सा जाता हाँ, गाल में दस रहा है, फोटो तो अच्छा है आपका। है जब पहले रे गाल में फूला गोलन अब गोरा रही हाँ एगो बढ़ई बुढ़वा रहे तो बुढ़िया कतिया ना हाँ जाते काटे जैती ना तो पे ओकरे घरवा पे जात रहे अगे बुढ़िया है नतिनिया के मुंह सुखल होगा कि मुंह मलिन भाई जाओ हाँ ना खाऊ खाइले की तका बुढ़िया हाथ धो के और ले जा के हाथ धो के और खाना फेर के मुंह में खिलावे लगी बढ़िया अच्छा थी। बुढ़वा हला करे लगती है अच्छा, मुंह मलिन हो गला हूँ नतीनिया के आपके दादी को कहते थे नहीं सब? आपकी दादी को सब कहते थे नहीं? आपकी दादी को? बुढ़िया अथी है दादी लगत रहे बुढ़िया तो अच्छा। हमें बुढ़वा कहते रहे कि मैंने हमारा गांव के नहीं रहे हमारे गांव ले एक कोस के अलगे हट के रहे बाकी हमारे बाबा से चिन्ह परिचय रहे बुढ़वा के बुढ़िया के वो बड़ी हमारा मानत रहा आप अच्छा थे, सुंदर थे, बुढ़वा के गोरा मलिन हो गला थे। गए बुढ़िया बुढ़वा बुढ़िया के देखे ना तीनिया कैसन तो हो गला तो का करूँ तू 3 दिन में गली बुढ़िया धर के खियावे लगे तो दूसरा में एक डहर काट के जाए लगी दूसरा दूसरा डहर पाए काट के जाए खाने लगी के डर है। खिया अभी लगे तो मुंह है में लड़का देखे का वैसा ऐसा हाथ पर कुछ कुछ छोलत रहती दूरा परे और वो कर दूरवा पे जा जा रहे और वह बुढ़वा हाला कर देती हूँ बुढ़िया का बुढ़िया धो के ले देती हूँ आपको अब खिया अभी लगती हूँ मुंह है में ओ नतनी कैसा घर बिया दिलक आँख मुँह कैसा हो गई बेटी के ऐसे बुढ़िया कहती है ग्रामीण खामा में बुगत बा बेटी दादी जी अपना कहानी सुना रहे बचपन का, मानते बड़ी बड़िया बढ़िया बड़बत मानत रहन तो नहीं हमार बाबा रहना तब बाईत रहन सगरो पहले टकदा नहीं रहन है। अच्छा। दावा करत रहन सगरो चिन्ह पचे रहे अब चिन्ह पचे रहे बुढ़वा बुढ़िया के अब हमार जाने नहीं छोड़त रहे ऐसा बिया दिलक नतनी के हमार दादाजी कहाँ खराब है, दादाजी तो सुंदर रहता। बाबा हमारा घर कुछ नहीं रह पाए हमार सास ससुर के पर दादाजी तो सुंदर है ना, गोरे हैं, जब दादाजी तो बढ़िया हम अलगे हो गई तब ना। तो हमारे सर पर चल एक में नहीं 4 गो रही एक में तब को बढ़ती रहे बड़ी बचाती हमारा भगावे भगावे करते गोतनी रहे कुछ को भगवान देते रहता जो भाग हमारा दिन का निचारा हो तो ऐसे करत रहे तब तो हम कहती ना अकेले आई जो बहू अकेले आई और पहुंचा
हमरा पहुँचा दे तब हम जब नहीं तो ऐसे नहीं जब हम चल थी फिर तब भैया जानलन तब भैया कहलन कि अब कैसे करो भौजी से कह दी कैसे ऐसे हमरा कर पड़न तो भैया जान के तो कहलन कि अच्छा रह लड़का जा में दे हमरा कैसे दे तो कहन कि दान दहेज में दे बाबू हिस्सा ले रही हन लड़का जमलन सालों भर पर हमरा नहीं यहाँ आवे दे चल से नैहर से नैहर से हमार नैहर तो नहीं मानी भाई ये को कहीं सा 50 मन तोरी हो कर दे दादी अमीर घर की है चार को आते चारों के 50-50 मन तोरी हो कर तोरी बुंदा ना होता थी कहीं है पटा देता थी नहीं तो पानी पीते तो आहरा है बात तोरी काट लग जाए पर के ना भाई नहीं बात तोरी फोन कर रहे हैं पति जुआ पति पुतोहिया चार पांच रोज काटे में लगा रहा है तो पांच रोज का भी पांचों का तवा हो चुका है ना तोरी पटल बात तोरी कटवा हो चुका है दो जागन दो गांव में खेता है तब भाजी का भैया कला जो जामा लड़का भतीजा जाम गए तो भाजी कहलन कि जौन बढ़िया दूधरगर गाय हो एक कुमरा गाय रहन तना के बड़ा के लान भैया गैलन और लनलन बढ़िया गाय छोटे गो रह 4-5 किलो दूध कर लान के तो हम सौ रुपये जात रह कहलन का ऐसा सौ मत लिपे जो आओ यहाँ हम कि हम का कहत बड़ा बड़ा नेग मिल रहा गाय के मोड़ा धर गाय के मोड़ा धर और पीठ ठोक गाय के एक पीठ ठोक तोर हो गला वो ओकर पैर के गोड़ लाग चारों पैर के गोड़ लाग गाय के चारों पैर के गोड़ लाग हमके गाय गोरु के लागत ही तो कहता भैया ना गाय गोरु मा समझिए एक आदमी समझ तब गोर रख लिया तो भैया के ठोकवा के गैया ले जाके कूड़ा में कह देती तब कहला तो कि हमारा कि सौ लिपे जो तो सौ लिपली तो लिपली तब फिर बढ़िया से रहली तो साल भर के बाद हमरा लियावे गेलन तब बुढ़ल ससुर गेलन तो ससुर गेलन तो भैया कहलन ना कि गाय दे रही ले जा तो ससुर कहलन कि हम गाय गोरु नहीं ले जब वही हिस्सा ले लेता थी कहता थी कि दाम तो इसमें दे ले रहे का तो तब ही लेके आओ बढ़न हम नहीं गाय गोरु ले जाए तब हमरा सब विदा कर दिलन तब विदा कर दिलन तो भैया खिसियाइलन इनका कि तू अलगे होइबा कि नहीं अब नहीं तो हम पांच भैया हमन एगो भैया रह जाए 6 भाई हो जाए बाकी नहीं जा दे बड़ी तकलीफ में बात अलगे हिस्सा नहीं बटाई एगो थरिया एगो लोटा मांग ले ससुर से के दे द बड़ी हमरा खिसियात बड़न होन भाई अलगे हो गई आ वह चले लागल अब तू नरेगा रहन तो गाँव में स्कूल भेजे नहीं गए तो कुछ कुछ ऐसा ऐसे हो रन तू न बरवाड़ी काम नहीं करा लागल है तो काम करे गई लन तो वही ले गई लन दोनों से पढ़े ला तब गाय यहाँ बड़ी दूध करते रहे माठा सबके घरों भर के माठा देती गाँवों में करके माठा देती
माती का उतना अपना घेव निकलत रहे, तब हम बड़ी चोर आ जाते रहे गोतिया तो चूर बिके केवाड़ी के, तो चोरी वाला धनका नहीं चल गए, सब तो खिसरा जाती ना। क्या वो हम रही ईमानदारी पर है तो हमारे सब बढ़िया से ना खाद कमत बड़ा। तब भैया पहुँचावे लगल गाय ना, तब पापा कहला ना कि तू गाय दे ले, हमू एगो बाछा दे दे थी, तू दे रहे हैं तो हमू दे देती। तब एगो बाछा जोर के लान के तो घरे पहुँचावल भाई बा। आ भूसा खरीदा भूसुओ नहीं खरीदे तेरे घर के, तब गाय के दूध रैकन के पियावे लगली खियावे लगली। हमार टाठा हो गेलन तो बरवाड़ी कहलन ससुर हमार के भेज पढ़ेला, तो हम रोवे लगली हम कि कैसे करूँ। मरिए देती लड़के चल ससुर कहलन के नहीं लड़िहन पढ़े जा दे वही रही बरबेटी बरबेटी सब पढ़लन डेगंज पढ़लन एने कहाँ कहाँ रोचियो डा के पढ़लन दोनों भाई। तब एक बार में निकल गई कि पास हो गई लन मास्टर में, एक बार में निकल रहे दोनों भाई मास्टर में नौकरी ले लिए। एक बारे में निकल रहा है पहले एक बारे में निकलत रहे अखबार में पेपर में, तब ये रहन बरवाड़ी साहब के पति नहीं करते रहे दोनों कागज पत्र टांगा रहती ना जाके ऑफिस में यानी उतार के देखे लगती थी कहते कहती साहबा के ओकर बड़ी बेटा बात जात पड़े कागज पत्र सब देखे लागल हन। अच्छा फोटो आ रहा है आपका, अच्छा फोटो आ रहा है आपका, बढ़िया दिख रहे हैं। तो मैं फोटो तिरा था तिरा रहा है। फिर मिलते दादी जी का नेक्स्ट ब्लॉग में, और कहानी सुनना होगा तो सुनिएगा।